नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों को जानकारी है कि वर्तमान समय में हम लोग उच्चतम न्यायालय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने उसकी स्थापना, उसके गठन के पूर्व जो भी व्यवस्थाएं थी उसको, और न्यायालय को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि वह कहाँ कहाँ तक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और उस पर अपना निर्णय दे सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय, जैसा कि ये जानकारी है कि पूरे भारत क्षेत्र के लिए जो है ये सर्वोच्च न्यायालय है, और भारत में विद्यमान सभी प्रकार के जो है उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है और उसमें जो है मामले की सुनवाई किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार विभिन्न राज्यों से संबंधित विवाद से देखा जाए तो इससे संबंधित कई प्रकार के प्राधिकार और क्षेत्राधिकार हैं जिनके बारे में उच्चतम न्यायालय में मैटर को लाया जाता है, केसेस को फाइल किया जाता है, अपील किया जाता है और उस पर सुनवाई के बाद निर्णय दिया जाता है। तो हम इनके कार्यों को उसके स्वरूप के आधार पर कई भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम एक एक करके यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कुछ ऐसे मामले, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है और उसमें उत्पन्न हुए मुकदमे से है जिसकी सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, केंद्र और कुछ राज्य तथा दूसरी तरफ राज्य या कुछ राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह तीन प्रकार के जो है प्रकरण हैं जो केवल उच्चतम न्यायालय में लाए जा सकते हैं। इसे उच्च न्यायालय में पहली बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, केंद्र और राज्य या कुछ राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो, केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हो, दूसरी तरफ कुछ राज्य या राज्यों का समूह हो, और तीसरी राज्यों के बीच विवाद, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो, तो ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत इसे केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती अधिकार, प्रारंभिक समवर्ती अधिकार, इसे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। एकमेव क्षेत्राधिकार का तात्पर्य यह है कि केवल और एक ही जगह पर वो है उच्चतम न्यायालय, जो यहां से संबंधित मैटर जो तीन प्रकार थे मैंने बताया। इससे संबंधित पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा, इसलिए इस लेक्चर को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में आने वाले व्यवहारिक सवालों का एक धारा प्रवाह उत्तर लिखना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, और दूसरा प्रारंभिक समवर्ती। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा प्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में भी मैटर को प्रस्तुत करने के लिए जो है सक्षम बनाता है। यानी कि इसमें जो भी विषय रखे गए हैं उससे संबंधित मामले यदि उत्पन्न होते हैं तो इसे जो है हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों ही जगहों पे प्रस्तुत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत इसे लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के संदर्भ में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो उससे संबंधित जो है मैटर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत दोनों ही न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है। जब हम मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो हमने इन पांचों प्रकार की रिटों का
व्यवस्थित तरीके से तुलनात्मक रूप से गहन अध्ययन किया था, इसलिए यहां पर इसे देखना आवश्यक नहीं है। बस केवल यहां यह समझना आवश्यक है कि प्रारंभिक समवर्ती अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं और इन विवादों को हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। अगला है अपील। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, जैसा कि यह जानकारी कि भारत में स्थित अगर न्यायालय की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ उच्च न्यायालय के ऊपर एक सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान न्यायिक व्यवस्था है जो भारत में सभी पंचायत अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के डिग्री निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध सिविल और दंडिक मामलों में अपील को सुनता है और उसमें निर्णय देता है। तो उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 132 के अंतर्गत किया गया है। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और इसे भारत के उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण अधिकरणों के विभिन्न प्रकार के निर्णय आदेश और अंतिम दंडादेश के विरुद्ध अपील को जो सुनने का अधिकार है। तो इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक तो संवैधानिक है, संवैधानिक मामले में ये अपील सुन सकते हैं, और दूसरा सिविल मामले में है, तीसरा दांडिक मामले में है, और एक जो है विशेष मामले भी हैं। ये चार प्रकार के मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरणों या अधिकरणों के दिए गए निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलें सुन सकता है। यदि कहीं पर कोई भी ऐसा विधि का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अंतर्निहित होते हैं और उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 का के अंतर्गत ये प्रमाणित कर देता है कि इसे जो है उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, इस मामले पर विचार उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में ही किया जा सकता है, तो इससे संबंधित मामले की जो है अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। आर्टिकल 133 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि सिविल मामलों में यदि कोई ऐसा विधि का महत्वपूर्ण मामला आ जाता है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित होता है और उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, तो सिविल मामले में भी अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। आर्टिकल 134 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि दांडिक मामले में भी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय दोष मुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय में मामले आने के बाद उसे मृत्युदंड दे दिया हो, या दूसरा ऐसा कंडीशन है जबकि उच्च न्यायालय स्वयं मामले को अपने यहाँ बुलाया हो और वहां पर अभियुक्त को या जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसे, उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दिया हो, या तीसरा स्वयं उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला इस तरीके का है जिस पर उच्चतम न्यायालय में विचार करना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में यहां पर दांडिक मामले से संबंधित निर्णय को अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आर्टिकल 136 के अंतर्गत यह भी व्यवस्था बनाया गया है कि उच्च न्यायालय अन्य पंचायत और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध अपील के लिए उच्चतम न्यायालय स्वयं विशेष प्रकार की अनुमति दे सकता है। तो इस प्रकार से अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 के अंतर्गत वर्णित है, जहां पर संवैधानिक, सिविल, दांडिक और विशेष प्रकार के अपील के अंतर्गत अनुमति प्राप्त होने पर अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। तो ये थे अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में प्रावधान। अब इसके अलावा परामर्शी अधिकार,
परामर्शी अधिकार आर्टिकल 143 के अंतर्गत वर्णित है और इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि विधि का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो जाता है जो सार्वजनिक महत्व का है या कोई पूर्व की संधि और समझौते के कारण से कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इन दोनों ही प्रकार के मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा जा सकता है। पहला मामला क्या था कि कोई विधि का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है जो अपने स्वरूप में सार्वजनिक महत्व का होता है, और दूसरा यह है कि यदि पूर्व की कोई संधि समझौते के कारण से कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरे प्रकार के मामले में उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य है, किंतु यह इसकी जो प्रकृति है वो सलाहकारी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कार्यपालिका और राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। किंतु पहले संदर्भ में उच्चतम न्यायालय यहां पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इसी तरीके से जो सलाह दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं होगा कि उस सलाह को वो स्वीकार करे या ना करे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले मामले में ना तो उच्चतम न्यायालय निर्णय या परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ये व्यवस्था है आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्शी अधिकार के रूप में, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार की दो स्थितियां बताई गई हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श मांग सकते हैं, और यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो परामर्श दे या ना दे, या राष्ट्रपति परामर्श को माने या ना माने पहले मामले में, जबकि दूसरे मामले में परामर्श देना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि उसे स्वीकार करे। अगला है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही अभिलेख न्यायालय के रूप में बनाया गया है, और ये आर्टिकल 129 के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियों को सार्वकालिक रूप में एक साक्ष्य के रूप में अभिलेखित किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा, और किसी उसी प्रकार के मामले में सुनवाई के दौरान उस साक्ष्य को या निर्णय को प्रस्तुत करने पर उसकी विधिमान्यता के संदर्भ में कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो कोई निर्णय देगा उस निर्णय को लिखित रूप में रखा जाएगा, और कहीं कोई मैटर उसी से संबंधित या उसी तरीके से आता है तो वहां पर उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरा यह है कि उच्चतम न्यायालय को स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करवाने के संदर्भ में निर्देश देने की शक्ति है, और यदि निर्देश दिया जाता है और उसको लागू नहीं किया जाता है तो वह कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन और निर्णय और वर्डिक्ट का जो है कंटेम्प्ट होगा। ऐसी स्थिति में उस कंटेम्प्ट के विरुद्ध भी कोई भी जो है दंड जो कि व्यवस्था के अनुसार निहित है उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ यहां पर एक और बात ध्यान में रखना है कि यह उच्च न्यायालय अन्य न्यायाधिकरण और पंचायतों को भी यह शक्ति प्राप्त है, और उनके द्वारा सिविल और दांडिक इन दोनों ही प्रकार के मामलों में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की व्यवस्था है, और दंड देने की व्यवस्था के रूप में जो है ये 6 वर्ष की जो है जेल या 2000 रुपये की जो है सजा या दोनों दिया जा सकता है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत की व्यवस्था है जो कि अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है, यानी कि अभिलेख न्यायालय में दो बातें हैं, जो भी डिसीजन या कार्रवाइयां होंगी उसे साक्ष्य के रूप में सार्वकालिक रूप में रखा जाएगा, और किसी भी प्रकार के उसी मैटर में अगर उसी के स्वरूप से संबंधित मैटर आता है तो उसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, और प्रस्तुत करने पर उसकी विधिमान्यता के संदर्भ में कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा। और दूसरा यह है कि उच्चतम न्यायालय को स्वयं अपने द्वारा दिए गए निर्णय को लागू न होने की स्थिति में संबंधित पक्ष के विरुद्ध और खिलाफ संबंधित पक्षों के जो है विरुद्ध और खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत दंड देने का अधिकार होगा, और यह
दंड देने की व्यवस्था 6 वर्ष की सजा, 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। और ऐसा अधिकार न केवल उच्चतम न्यायालय को बल्कि उच्च न्यायालय को, पंचायत को, न्यायाधिकरणों को भी जो प्राप्त है, जो कि सिविल और दांडिक दोनों मामले में दिए जा सकते हैं। जैसे के संदर्भ में एक उदाहरण कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का यह बताया जाए कि किसी भी व्यक्ति की डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है और कुछ ऐसे नीतिगत मामले आते हैं जिससे उसके वेतन भुगतान के संदर्भ में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वह व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट उस व्यक्ति के अगले आदेश तक, जब तक कि उस मामले में पेंडिंग है वो मैटर, तब तक के लिए उसको वेतन भुगतान का आदेश जारी करती है। किंतु संबंधित पक्षकार या विभाग के द्वारा यदि वेतन भुगतान नहीं किया जाता है एक निश्चित समय तक, तो उस कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का यहाँ पे कंटेम्प्ट हो जाता है, न्यायालय की अवमानना हो जाती है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय संबंधित पक्षकार को वहां पर कोर्ट में उपस्थित होने, अपना पक्ष रखने और अगर उसकी पक्ष से संतुष्टि नहीं होती है तो उसे दंड देने का भी अधिकार होता है। ये व्यवस्था होती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। अगली व्यवस्था है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन एक व्यापक टॉपिक है, ये मुख्य परीक्षा में अलग से भी सवाल के रूप में आता है। तो यहां पर इस बात को समझता है कि न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके अंतर्गत संसद, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा करने और जांच करने का अधिकार होता है। और यदि इसके अंतर्गत कोई भी कानून या आदेश संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाया जाता है या संगत नहीं पाया जाता है या टकराव की स्थिति में होता है, तो न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उस कानून या आदेश के उस भाग जो कि टकराव की स्थिति में आता है उस सीमा तक शून्य घोषित कर देता है जहां तक वह संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध या संगत नहीं होता या टकराव की स्थिति में आता है। यह अधिकार ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहलाता है, जो कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है प्राप्त है। इसके जो औचित्य है इस न्यायिक पुनरावलोकन की, वो है संविधान की सर्वोच्चता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार है तथा केंद्र राज्य के बीच में संबंध। संबंध का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य के बीच में संघात्मक शासन व्यवस्था और प्रणाली वाले देशों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और यदि कोई भी सरकार एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है या अपनी सीमाओं को लांघने का प्रयास करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके इस तरीके के कदम, आदेश और निर्णय कि न केवल आलोचना की जा सकती है बल्कि उसे अवैध करार दिया जा सकता है। तो इस बात की संभावनाएं निहित होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्याय, तो यहाँ पे संविधान की जो सर्वोच्चता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, केंद्र राज्य के संबंध हैं, ये तीनों ही बातों और तीनों ही आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन को स्थापित किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन का क्रियान्वयन किया जाता है वो इन्हीं बिंदुओं के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है। यदि कोई संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती देता है या उसका उल्लंघन होता है या उसके प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं होता है। दूसरा है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। और इसी तरीके से कोई भी प्राधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करता है, जैसा कि केंद्र राज्य संबंध, यानी कि तीनों व्यवस्थाएं, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार और केंद्र राज्य के बीच में संबंध, इन तीनों का उल्लंघन होता है तो उसके आधार पर क्रियान्वयन हो जाता है। तो जो एक तो औचित्य हो गया और दूसरा हो गया उसका आधार, तो इन तीनों आधारों पर जो कि इसके उल्लंघन के रूप में आएगा उसके आधार पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की अपनी सीमाएं भी हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा इसलिए है क्योंकि अस्पष्ट और लिखित संविधान है। अस्पष्ट और लिखित संविधान होने के कारण से न्यायिक पुनरावलोकन असीमित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। उस व्यवस्था जो कि संवैधानिक व्यवस्था, उसके आलोक और उसकी सीमा और दायरे में रह करके ही उसे किया जा सकता है। तो अस्पष्ट और लिखित संविधान की व्यवस्था है। और इसी तरीके से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कारण से
कोई भी न्यायिक तुमरा अवलोकन उसी विधि में जो बनाएगी व्यवस्था उसके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर जो अंतर है वो अमेरिका से थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर न्यायालय को किसी मामले की व्याख्या करने का अधिकार है। यही एक ऐसा बिंदु और पॉइंट है जिसके आधार पर अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वही वहां के उच्चतम न्यायालय और संघीय न्यायालय की शक्ति को बहुत ही ज्यादा कर देती है और दुनिया का वह सबसे शक्तिशाली न्यायालय हो जाता है। तो इस तरीके से स्पष्ट और लिखित संविधान तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन के पॉइंट पर सीमाएं लगाती हैं। इसकी आलोचना भी किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना भी किया जाता है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, सरकार के द्वारा वास्तविक रूप में शक्तियों का क्रियान्वयन किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है और कल्याणकारी योजनाओं को बनाया जाता है। तो यहां पर जब न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तो यह माना जाता है कि कई बार इसके द्वारा बहुत ही परंपरागत और अमदारवादी यानी कंजर्वेटिव सोच के तहत निर्णय दिया जाता है, जिससे कार्यपालिका के कार्य और उच्चतम न्यायालय के निर्णय में टकराव की स्थिति आती है। दूसरा यह है कि बार बार ये चीजें कही जाती हैं कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेश को भी पलटता रहता है इन्हीं बातों के आधार पर, तो दूसरा ये भी पॉइंट है जिसके आधार पर उसमें आलोचना। तीसरा ये भी कहा जाता है कि ये संवैधानिक सीमाओं को लांघने का कार्य करता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तो प्राप्त है लेकिन ये किसी संविधान के स्पष्ट रूप से अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो इसे जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत और इसी तरीके से आर्टिकल 226 के अंतर्गत इस तरीके के जो है प्रावधान इसे स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन अस्पष्ट रूप से मिलते हैं, क्योंकि 13 में यह कहा गया है कि कोई पूर्व का अगर कानून है और संविधान से संगत नहीं तो उस भाग तक वह जो है समाप्त हो जाएगा। और इसी में दूसरा पॉइंट 13 में बताया गया कि यदि कोई राज्य विधानमंडल या संसद जो है कानून बनाता है और संविधान से संगत नहीं होता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसे देखने की जो व्यवस्था है वो न्यायालय को दिया गया है और यही न्यायिक पुनरावलोकन का भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में एक आधार बन जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तो औचित्य हो जाता है, दूसरा न्याय पुनरावलोकन का क्रियान्वयन हो जाता है, तीसरा उसकी सीमाएं हो जाती हैं और चौथा उसकी आलोचना हो जाती है। ये पॉइंट न्याय पुनरावलोकन के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना होगा जो यहां पर मैंने पॉइंट्स के रूप में बताया, हालांकि पीडीएफ के नोट्स में आपको इससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन यहां पर समझना इस बात को जरूरी है। अगला एक और है प्रावधान पूर्व निर्णय की समीक्षा, पूर्व निर्णय समीक्षा आर्टिकल 137 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि अपने पूर्व निर्णय की भी वो समीक्षा कर सकता है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में न्याय के कुछ मानक और मापदंड अलग थे जो कि देशकाल और परिस्थितियों में परिवर्तन के बाद परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं तो पूर्व के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह व्यवस्था और शक्ति ही पूर्व निर्णय की समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार शक्ति और क्षेत्राधिकार में तो यहां पर 7 पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्रारंभिक 1 में और क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार और अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, अभिलेख न्यायालय, परामर्शी अधिकार, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन तथा पूर्व निर्णय की समीक्षा, पूर्व निर्णय की समीक्षा। तो इस तरीके से 7 पॉइंट हैं जो उच्चतम न्यायालय के शक्ति और प्राधिकार को स्पष्ट रूप में व्याख्या करते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर ज्यादा समय नहीं होता आपके पास और लिखने के लिए अगर आपको सोचना पड़े तो निश्चित तौर पर समय कम मिलेगा और आप अन्य प्रश्नों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे जो उसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो इसलिए आपकी नॉलेज जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसे कंक्रीट और कॉम्पैक्ट रूप में उत्तर पुस्तिका में लिखने की क्षमता का विकास भी करना होगा और ऐसा आप बार बार जो है उस तरीके के प्रश्न पत्र को बना करके लिखने के आधार पर विकसित कर सकते हैं जो आपको बार बार करने होंगे। इसे उच्चतम न्यायालय की अगर चर्चा हो रही है तो वहां पर उसमें वकालत करने वाले और पैरवी करने वाले
लायर और वकीलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चर्चा हम लोग कर लें तो बेहतर होगा। उच्चतम न्यायालय में अगर तीन प्रकार के जो है वकील होते हैं, एडवोकेट अगर की बात की जाए, अधिवक्ताओं की बात की जाए, तो तीन प्रकार के अधिवक्ता वहां कार्यरत होते हैं। एक तो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, और तीसरे जो है अन्य अधिवक्ता होते हैं। ये अधिवक्ता के प्रकार होते हैं जो उच्च न्यायालय में जो है कार्य करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे अधिवक्ता होते हैं जो अनुभवी होते तो ही हैं, बल्कि उनको इस रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मान्यता दिया जाता है, और ये कोर्ट में बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के उपस्थित नहीं हो सकते हैं, या अपने कनिष्ठ के बजाय किसी न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकते हैं मामले की। तो ये होते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। दूसरे होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये किसी मैटर में जो है अपील फाइल करते हैं, किसी मामले की जो है फाइलिंग करते हैं, जो है कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, और दूसरा वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो है कोर्ट में रिकॉर्ड को पेश करने का इनके पास अधिकार होता है, तो उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। अन्य अधिवक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है किसी राज्य के बार काउंसिल में जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह से रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी की तरफ से वहां पे प्रस्तुत हो सकते हैं और उसके मामले की पैर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता के रूप में तीन प्रकार के अधिवक्ता कार्य करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो कि उच्चतम न्यायालय के दूसरा भाग था, उसमें हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार, शक्तियों और कार्य इत्यादि को देखा कि उच्चतम न्यायालय का दायरा कहाँ तक होता है, किस प्रकार के मामलों में वो मामले की सुनवाई कर सकते हैं, किस मामले में वो पहली बार ही मामले की सुनवाई करते हैं, और कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर वो अपील के द्वारा जो है सुनवाई करते हैं, और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो संविधान की व्याख्या इत्यादि से संबंधित होते हैं, कुछ अवमानना से, कुछ अभिलेख से होते हैं। इस तरीके से उच्चतम न्यायालय न केवल उच्चतम शब्दों में है, बल्कि वो अपने कार्य में भी उच्चतम है, जो भारत में स्थापित विभिन्न प्रकार के न्यायालयी व्यवस्था के शीर्ष पर विद्यमान होता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के प्रकार के बारे में भी अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद उच्चतम न्यायालय के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण का आपके पास विकास हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।